नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने कार्यक्रम में। इस कार्यक्रम में हम सूर्य के प्रथम भाव में क्या फलित उत्पन्न होंगे मिथुन लग्न के लिए, इसके पीछे का तर्क समझने वाले हैं, लॉजिक जानने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं प्रथम भाव से। प्रथम भाव में अगर सूर्य आ गए तो क्या फलित उत्पन्न करेंगे? सबसे पहले इनके कारकत्व से क्या फल उत्पन्न होंगे ये जानना जरूरी है। तो यहां पर राशि देखनी पड़ेगी। यहां पर तीन राशि है, यानी मिथुन राशि है। मिथुन राशि के स्वामी है बुध। बुध के साथ सूर्य के ना मित्रत्व के संबंध है ना शत्रुत्व के संबंध है, यानी बुध के साथ सूर्य के सम संबंध है। इस कारण इनको मध्यम राशि बल प्राप्त है। तथा ये जो स्थान है प्रथम भाव, भाव बल देखना जरूरी है। अब प्रथम भाव जो है ये केंद्र भाव भी है और कोण भाव भी है कुंडली में, इस कारण ये सबसे शुभ माना गया है पत्रिका में। तथा और एक तर्क से जाना जाए तो इस भाव से व्यक्तिमत्व देखते हैं व्यक्ति का, और सूर्य से प्रयत्नवाद, अधिकार, राजसत्ता इत्यादि देखते हैं। तो ये जो भाव है सूर्य को अपने गुण प्रकट करने के लिए पोषक है, इस कारण ये भाव सूर्य को भावबल प्राप्त है। अब सूर्य को भावबल प्राप्त है, राशिबल मध्यम प्राप्त है, इस कारण सूर्य के कारकत्व से जो बातें देखी जाती है इनके मामले में, ये मध्यम से थोड़ा ज्यादा फलित उत्पन्न करेंगे। यानी पितृसौख्य के मामले में, राजसत्ता से मिलने वाले पैसे के मामले में, अधिकार के मामले में, प्रयत्न के मामले में, अहंकार स्वाभिमान के मामले में, तथा आत्मा यानी अंदरूनी चैतन्य के मामले में, ये मध्यम से थोड़ा ज्यादा फलित उत्पन्न करेंगे। अब भाव स्थिति से क्या बात पता चलती है ये देखते हैं। सूर्य है समग्रह की घर में, यानी शत्रु का घर भी नहीं है, मित्र का घर भी नहीं है। इस कारण इस घर के लिए ये बहुत ज्यादा शुभ फल भी नहीं देंगे और बहुत ज्यादा बुरा फल भी नहीं देंगे। सूर्य स्थान में आ गए, व्यक्तिमत्व के स्थान पर सूर्य आ गए, जोड़ लगानी है। ये व्यक्ति प्रयत्नवादी रहेगा। यहां पर तीन आंकड़ा है, ये बुध की राशि है, ये बुद्धिमान भी रहेगा, ये भी बात है। प्रयत्नवादी भी है, बुद्धिमान भी है, इसका व्यक्तिमत्व आप जान सकते हो। अब सूर्य जो है ये थोड़ा अहंकारी है, ये व्यक्ति स्वाभिमानी रहेगा, तथा इस राशि के कारण थोड़ा बातूनी भी रहेगा। इसकी बातों में भी सूर्य का अहंकार आएगा, क्योंकि बुध की राशि है, बुध वाणी के कारक है। बुध के स्थान में, बुध की राशि में सूर्य आकर बैठ गए व्यक्तिमत्व के स्थान पर, यह तर्क है। यहां से स्वरूप देखा जाता है, बुध की राशि है, व्यक्ति हाइट से थोड़ी कम होगी, सूर्य है वहां पर, इस कारण वो काटक होगी यानी पतली होगी, तथा चेहरे पर लालिमा होगी, ये बात पता चल रही है। ये तो है भाव स्थिति से जानी गई बात। अब भावेशत्व से क्या पता चलता है? मिथुन लग्न के लिए सूर्य को तृतीय भाव की मालकियत प्राप्त है, क्योंकि तृतीय भाव में इनकी खुद की सिंह राशि आती है। अब तृतीय भाव के मालिक कुंडली में ये कहीं भी बैठ जाए, तृतीय भाव के लिए फल जरूर उत्पन्न करेंगे। अब प्रथम भाव में बैठ गए तो क्या फल उत्पन्न करेंगे? तृतीय भाव के मालिक आ गए प्रथम भाव में, क्या फलित उत्पन्न करेंगे? बस जोड़ लगानी है। तृतीय भाव से पराक्रम देखा जाता है, प्रथम भाव से खुद को, व्यक्तिमत्व को देखा जाता है। तो ये जो व्यक्ति है इसके व्यक्तिमत्व में पराक्रम होगा, कर्तृत्व होगा, ये बात पता चलती है। ये व्यक्ति कर्तृत्ववान होगी, ये तर्क है। यहां से तृतीय भाव से छोटे भाई बहनों का सौख्य देखते हैं, और उनका स्वामी आ गया खुद के स्थान पर। इस कारण छोटे भाई बहनों का स्वभाव यहां से देखते हैं, यहां से खुद का स्वभाव देखते हैं, इस कारण छोटे भाई बहनों का सौख्य इसे अच्छा प्राप्त होगा, ये बात पता चलती है। और एक तर्क यह है कि तृतीय भाव से अगर गिने इस भाव से, तो इनके खुद के घर के भाव से सूर्य बैठे हैं लाभ भाव में, यानी एकादश भाव में बैठे हैं, तो लाभ भाव, लाभ देखते हैं यहां पे। तो पराक्रम तृतीय से देखते हैं, इनका स्वामी गया इन पराक्रम के लाभ में, यानी पराक्रम से लाभ प्राप्त होगा। ये खुद पराक्रमी तो हो गए, लेकिन उस पराक्रम से लाभ प्राप्त होगा, आय यानी इनकम प्राप्त होगी। छोटे भाई बहनों के लाभ में गए, छोटे भाई बहनों से भी लाभ मिलेगा। किन मामलों में? सूर्य के मामलों में, यानी अधिकार, राजसत्ता, गवर्नमेंट से मिलने वाला पैसा, इन मामलों में। और क्या बातें पता चलती है? प्रथम भाव में बैठे सूर्य पूर्ण दृष्टि से सप्तम भाव को देख रहे हैं। सप्तम भाव में राशि कौन सी है? सप्तम भाव में नौ आंकड़ा है, यानी गुरु की राशि है। गुरु के साथ सूर्य के संबंध मित्रत्व के है। ये मित्र के घर को देख रहे हैं, इस कारण इस घर के लिए शुभ फल उत्पन्न करेंगे। अब सप्तम भाव के लिए शुभ फल उत्पन्न कर रहा है ये तो जान लिया, क्या फलित उत्पन्न करेंगे? सप्तम भाव से वैवाहिक सौख्य देखा जाता है, इसके मामले में ये सूर्य अच्छा फलित उत्पन्न करेंगे। सप्तम भाव से वैवाहिक जोड़ीदार का स्वभाव देखा जाता है, स्थान में गुरु की राशि है और सूर्य इसको देख रहे हैं, इस कारण इसका वैवाहिक जोड़ीदार का जो स्वभाव है ये धार्मिक रहेगा, तथा सूर्य देख रहा है इस कारण थोड़ा स्वाभिमानी भी रहेगा।
और क्या बात पता चलती है, पराक्रम भाव के स्वामी यानी तृतीय भाव के स्वामी, पराक्रम भाव के स्वामी खुद के स्थान में आकर वैवाहिक जोड़ीदार के स्थान को देख रहे हैं। इसका वैवाहिक जोड़ीदार भी कर्तृत्ववान होगा किस क्षेत्र में, सूर्य के क्षेत्र में, यानी ये गवर्नमेंट सर्वेंट हो सकता है या किसी अधिकार की पोस्ट पर काम कर रहा होगा, ये भी बात पता चलती है। कई सारी बातें हैं, हम एक तर्क के साथ चले, एक लॉजिक के साथ चले तो सहजता से पता कर सकते हैं। अब अगर सूर्य द्वितीय भाव में आ गए मिथुन लग्न के लिए तो क्या फलित उत्पन्न करेंगे, सबसे पहले राशिफल देखें, सूर्य के कारकत्व से क्या फलित प्राप्त होंगे वो देखें, उसके बाद भाव स्थिति देखें, उसके बाद वो जिस भाव के स्वामी है उस भाव के हिसाब से क्या फल उत्पन्न कर रहे हैं वो देखना है, और उसके बाद वो जहां पर दृष्टि डाल रहे हैं दृष्टि योग से क्या फल उत्पन्न करेंगे वो देखना है। तो कारकत्व देखते हैं, कारकत्व देखने के लिए राशि बल देखना जरूरी है, भाव बल देखना जरूरी है। अब ये कौन सी राशि में है, तो चार आंकड़ा है यहाँ पे, चार आंकड़ा यानी चंद्र की राशि है, चंद्र और सूर्य में मित्रत्व के संबंध है, इस कारण इनको राशि बल अच्छा प्राप्त है। अब भाव का बल अगर देखा जाए तो ये धन का स्थान है, धन यहां से देखते हैं, और सूर्य जैसे अधिकारी ग्रह यहां पर आकर बैठ गए तो ये जो स्थान है ये भी सूर्य के लिए अच्छा ही स्थान है। हालांकि ये केंद्र कोणों में से नहीं है, इस कारण इसका महत्व थोड़ा कम है, यानी मध्यम भाव बलवत्ता प्राप्त है और राशिफल अच्छा प्राप्त है, इस कारण इनको इनके कारकत्व के हिसाब से मध्यम से थोड़ी ज्यादा फलित प्राप्त होंगे, यानी पितृसौख्य के बारे में, प्रयत्नवाद के बारे में, अहंकार यानी स्वाभिमान के बारे में, सामाजिक दर्जा दिखा, अहंकार यानी सामाजिक दर्जा से अहंकार उत्पन्न होता है तो उस मामले में, सामर्थ्य के मामले में, आत्मा यानी अंदरूनी सामर्थ्य के मामले में, चैतन्य के मामले में मध्यम से थोड़े ज्यादा फलित उत्पन्न होंगे। अब यह तो हुई कारकत्व से जानी गई बात, अब हम भाव स्थिति से क्या पता चलता है ये देखते हैं। सूर्य द्वितीय भाव में बैठे हैं और मित्र के घर में है, इस कारण ये इस घर को अच्छा फलित देंगे, शुभ फलित देंगे। अब पहले तो ये जान लिया ये शुभ फलित देने वाले हैं, लेकिन किस मामले में, तो द्वितीय भाव से जो देखा जाता है उन मामलों में, द्वितीय भाव से धन का पता चलता है, सूर्य धन के मामले में शुभ फलित देंगे, लेकिन कौन से रास्ते से, तो सूर्य के रास्ते से, यानी अधिकारी लोगों से या राज्य सत्ता से यानी राजकृपा से या गवर्नमेंट से इसको पैसा मिलेगा, ये बात सीधी सीधी बात तर्क से पता चलती है। द्वितीय भाव से कौटुंबिक सौख्य भी देखते हैं, कौटुंबिक सौख्य के लिए भी सूर्य अच्छे फलित दे रहे हैं, हालांकि सूर्य है थोड़े अहंकारी ग्रह है, इस कारण कुटुंब में थोड़ा तनावपूर्ण वातावरण रह सकता है, लेकिन कौटुंबिक सौख्य ये अच्छा दे रहे हैं। अब यहां से द्वितीय भाव से वाणी भी देखते हैं व्यक्ति की, सूर्य से अहंकार तो इस व्यक्ति की वाणी में अहंकार भरा रहेगा, सूर्य सामर्थ्य के भी कारक है, इसकी वाणी सामर्थ्यशाली रहेगी, ये भी बात पता चल रही है। अब भाववेशत्व से क्या पता चलता है, मिथुन लगने के लिए सूर्य की राशि तृतीय भाव में आती है, इस कारण तृतीय भाव के ये स्वामी है और तृतीय भाव के स्वामी द्वितीय भाव में जाकर बैठ गए, जोड़ लगानी है तृतीय भाव से जो देखा जाता है तथा द्वितीय भाव से जो देखा जाता है। अब तृतीय भाव से पराक्रम देखा जाता है, कर्तृत्व देखा जाता है और द्वितीय भाव से धन, तो ये जो व्यक्ति है ये अपने कर्तृत्व से धन कमाएगी, ये एक तर्क हुआ, लेकिन और एक बात देखना ज्यादा जरूरी है योग की पुष्टि के लिए। यहां से गिने जिस भाव के स्वामी है वहां से अगर गिने तो सूर्य द्वादश भाव में आते हैं, एक दो तीन ऐसे अगर गिने तो ये द्वादश भाव से व्यय देखा जाता है, यानी पराक्रम भाव का स्वामी उसके व्यय में चला गया और वो प्रथम का धन स्थान है, यानी ये कर्तृत्व से धन कमाएंगे, पराक्रम से धन कमाएंगे, लेकिन उसका व्यय भी होगा, ये भी दिख रहा है। किन मामलों में, सूर्य के मामलों में, यानी गवर्नमेंट के काम बनाने के लिए, अधिकार योग पाने के लिए खर्चा हो सकता है। यहां से तृतीय भाव से छोटे भाई बहनों के सौख्य को देखते हैं, उनका स्वामी गया धन स्थान में, इस स्थान से व्यय में है इस कारण, और प्रथम से धन में है, धन का व्यय हो सकता है छोटे भाई बहनों के लिए, यह तर्क यहां पर लग रहा है। तृतीय भाव से छोटी यात्राएं देखी जाती है, छोटी यात्राओं में भी व्यय संभव है, चोरी चपेटी संभव है, ये इस योग से पता चल रहा है। अब दृष्टि योग से क्या पता चल रहा है, द्वितीय भाव में बैठे सूर्य पूर्ण दृष्टि से अष्टम भाव को, सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देख रहे हैं, अष्टम भाव में राशि है 10 आंकड़ा है यानी मकर राशि, मकर राशि शनि की राशि है, अब सूर्य शनि की राशि को देख रहे हैं, इस कारण यहां पर ये अच्छा फलित उत्पन्न करेंगे, क्योंकि सूर्य शनि को शत्रु नहीं मानते, हालांकि उल्टा है, शनि सूर्य को शत्रु मानते हैं, शनि की दृष्टि अगर सूर्य की राशि पर होती तो वो बुरा फलित उत्पन्न करते, लेकिन सूर्य की दृष्टि है शनि की राशि पर, यानी ये बुरा फलित नहीं उत्पन्न करेंगे। किस मामलों में,
तो अष्टम भाव से मृत्यु देखा जाता है और सूर्य उसको देख रहे हैं पूर्ण दृष्टि से, अच्छा फलित उत्पन्न कर रहे हैं, इस कारण इस व्यक्ति को लंबे आयु की प्राप्ति होगी। यहां से गुप्त धन, गुप्त विद्या वगैरह देखा जाता है। सूर्य स्वयं धार्मिक ग्रह है, आत्मा के कारक है, आध्यात्मिक ग्रह है और ये गुप्त विद्याओं के स्थान को देख रहे हैं। इस कारण ये जो व्यक्ति है गुप्त विद्याओं पर विश्वास रखने वाला होगा, ज्योतिष विद्या पर विश्वास रखने वाला होगा तथा इनका कुछ हद तक ज्ञान भी प्राप्त करेगा। धन स्थान में बैठे सूर्य गुप्त धन के स्थान को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, इस कारण इस व्यक्ति को गुप्त धन की प्राप्ति भी होगी। आधुनिक युग में रिश्वतखोरी से प्राप्त होने वाला धन, काला धन गुप्त धन के अंदर आता है, तो इस व्यक्ति को ऐसे धन की भी प्राप्ति होगी, ये भी यहां से पता चल रहा है। अब अगर सूर्य तृतीय भाव में बैठ जाए तो क्या फल देंगे? प्रथम भाव के स्वामी तृतीय, माफ करना, मिथुन लग्न के लिए, यानी प्रथम भाव में मिथुन राशि है तो तृतीय भाव में पांचवा आंकड़ा आता है यानी सिंह राशि आती है। सिंह राशि सूर्य की खुद की राशि है। अब ये खुद की राशि में आ गए, इस कारण इनको राशि बलवत्ता प्राप्त है और ये आ गए कर्तृत्व के स्थान पर, पराक्रम के स्थान पर, और ये खुद प्रयत्न के कारक है, अधिकार के कारक है, राज सत्ता राज कृपा के कारक है और ये पराक्रम के स्थान पर आ गए। ये जो स्थान है ये इनके स्वभाव के लिए पोषक स्थान है, इस कारण इनको स्थान बल प्राप्त है। अब स्थान बल प्राप्त है, राशि बल प्राप्त है, इस कारण कारकत्व से हिसाब से, रवि के कार्यकत्व के हिसाब से जो बातें देखी जाती है इनके मामले में, ये सूर्य बहुत ही अच्छा फल देंगे, सबसे शुभ फल देंगे। यानी इस व्यक्ति को पिता का सौख्य अच्छा प्राप्त होगा, राजकृपा होगी, राजसत्ता से यानी गवर्नमेंट से पैसा प्राप्त होगा, ये व्यक्ति प्रयत्नवादी रहेगा, ये व्यक्ति स्वाभिमानी रहेगा, चैतन्य से परिपूर्ण रहेगा, ये व्यक्ति आरोग्यवान रहेगा, रवि आरोग्य का भी कारक है, आरोग्यवान रहेगा, कई बातें हैं, इन सभी मामलों में सूर्य अच्छा फलित देंगे। अब यहां पे भाव स्थिति से जानते हैं, यहां पे तृतीय भाव में सूर्य आ गए, भावेशत्व से भी जानते हैं इसी वक्त, यहां पे सूर्य की ही राशि है, तृतीय भाव के ही स्वामी है। अब ये खुद के ही स्थान में आ गए, इस कारण खुद को तो ये बहुत शुभ फल देंगे। तृतीय भाव से पराक्रम देखते हैं और सूर्य से अधिकार राजसत्ता, यानी इस व्यक्ति का जो पराक्रम है, कर्तृत्व है, ये अधिकार योग में रहेगा। इस व्यक्ति को अधिकार योग प्राप्त होगा, गवर्नमेंट में ये व्यक्ति अधिकारी हो सकता है या राजसत्ता से रिलेटेड कोई काम कर सकता है, यानी मंत्री भी हो सकता है, लोक प्रतिनिधि भी हो सकता है। यहां से छोटे भाई बहनों का सौख्य देखते हैं, यहां पे सूर्य आ गया, ये खुद की राशि में है। एक तो इस व्यक्ति को, ऐसे जातक को छोटे भाई बहन होते ही नहीं है, क्योंकि ये खुद कर्तृत्ववान है, अहंकारी है। अगर होंगे तो ये स्वयं घर में कर्तृत्ववान होने के कारण करता रहता है, करता करता का भाव इसमें होता है, तो ये बात यहां से जानी जाती है। और क्या बात पता चलती है? तो इस भाव से छोटी यात्राएं देखी जाती है और सूर्य राज्यसत्ता का, गवर्नमेंट का कारक है। इस व्यक्ति को अपना पराक्रम दिखाने के लिए, अपना कर्तृत्व दिखाने के लिए छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती है, राज्यसत्ता के लिए, अधिकार योग पाने के लिए छोटी यात्राएं करनी पड़ सकती है। अब सूर्य है पूर्ण दृष्टि तृतीय भाव से नवम भाव पर डाल रहे हैं। नवम भाव में 11 आंकड़ा यानी कुंभ राशि है। अब कुंभ राशि के स्वामी है शनि, शनि को सूर्य अच्छा फलित देते हैं, इस कारण इस भाव के लिए ये अच्छा फलित उत्पन्न करेंगे। क्या सूर्य बलवान है, इस कारण इनकी दृष्टि में भी बल है। अब नवम भाव से भाग्य देखा जाता है और सूर्य से राजसत्ता अधिकार वगैरह देखा जाता है, तो ये व्यक्ति भाग्यशाली रहेगी। किन मामलों में? राजकृपा के मामलों में, गवर्नमेंट से मिलने वाले पैसों के मामले में, अधिकार योग के मामले में ये व्यक्ति भाग्यशाली रहेगी। किसी अधिकारी व्यक्ति के कुंडली में तृतीय भाव में सूर्य आते हैं और वो बलि होते हैं। अब यहां से सामाजिक दर्जा भी देखा जाता है नवम भाव से, तो नवम भाव से सामाजिक दर्जा देखा जाता है। सूर्य पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं, बलवान दृष्टि से देख रहे हैं, इस कारण इस व्यक्ति का सामाजिक दर्जा भी ऊंचा रहेगा, यह बात पता चलती है। यहां से धार्मिकता देखते हैं और सूर्य स्थान को देख रहा है। सूर्य स्वयं धार्मिक ग्रह है, आध्यात्मिक ग्रह है, आत्मा के कारक है और वो धार्मिकता के स्थान को देख रहा है। ये जो व्यक्ति है ये धार्मिक रहेगी, धर्म को मानने वाली रहेगी, ये भी बात पता चलती है। पिता का कारक ग्रह है सूर्य और भाग्य स्थान को देख रहा है, इस कारण इसके पिता भी भाग्यशाली होंगे और इसके पिता के कारण इसका भाग्योदय होगा, ये भी बात पता चल रही है। कई सारी बातें हैं, आप तर्क लगाकर जोड़कर जान सकते हो, अनुमान लगाकर सटीक फल तक पहुंचा जा सकता है। अगले कार्यक्रम में हम सूर्य का चतुर्थ भाव से लेकर षष्ठ भाव तक क्या
क्या फलित उत्पन्न हो सकता है मिथुन लग्न के लिए, इसके पीछे क्या तर्क है, क्या लॉजिक है, इसको जानेंगे। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।